हेलो दोस्तों, टैक्स प्लानिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ मैनेजरियल रेमुनरेशन का ये पार्ट टू है। पार्ट वन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो टैक्स प्लानिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ मैनेजरियल रेमुनरेशन में आज मैं आपके साथ बात करूंगा टैक्स प्लानिंग फॉर एम्प्लॉयर, यानी एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्स प्लानिंग कैसे होती है। जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज को रेमुनरेशन देगा, इस रेमुनरेशन के रिस्पेक्ट में वो टैक्स प्लानिंग कैसे करेगा, यानी इम्प्लॉयर के दृष्टिकोण से टैक्स प्लानिंग कैसे की जाएगी। टैक्स प्लानिंग का मतलब, कई बार मैंने आपको बताया है, टैक्स प्लानिंग का मतलब होता है टैक्स को कम करना, जो लीगल प्रोविजंस होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इम्प्लॉयज फंड, इम्प्लॉयज फंड की मैं बात करूँ तो जो इम्प्लॉयर होता है अपने इम्प्लॉय से कुछ सम रिसीव करता है फंड्स के लिए, यानी उनकी सैलरी से काटता है, वो कुछ कंट्रीब्यूशन लेता है। तो फंड्स की अगर बात करें तो फंड्स में आता है प्रोविडेंट फंड, सुपर एनुएशन फंड या कोई अदर फंड जो इम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए बनाया जाता है। तो अगर कोई इम्प्लॉयर अपने इम्प्लॉयज से कोई सम रिसीव करता है एज ए कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन किस में करना है, पीएफ में या फिर सुपर एनुएशन फंड है या कोई अदर फंड है जो इम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए होता है, तो इम्प्लॉयर ने इम्प्लॉय से सम रिसीव किया एज ए कॉन्ट्रीब्यूशन। इस कॉन्ट्रीब्यूशन को डिपॉजिट करना होता है इम्प्लॉयर को इम्प्लॉय के अकाउंट में, उस रेलेवेंट फंड के अंदर जिस फंड के रिस्पेक्ट में कॉन्ट्रीब्यूशन लिया है इम्प्लॉयर ने इम्प्लॉय से, इस कॉन्ट्रीब्यूशन को डिपॉजिट करना होता है इम्प्लॉय के अकाउंट में उस कंसर्न फंड के अंदर। अगर इम्प्लॉयर ये जो सम रिसीव किया है कॉन्ट्रीब्यूशन के रूप में इम्प्लॉय से, अगर इम्प्लॉयर इसको डिपॉजिट नहीं करता है तो ये इम्प्लॉयर की इनकम बन जाती है, उस पे लग जाएगा टैक्स। तो ये इम्प्लॉयर को ध्यान रखना है रेमुनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने आपको बताया कि अगर कोई कॉन्ट्रीब्यूशन इम्प्लॉयर इम्प्लॉय से लेता है, उस कॉन्ट्रीब्यूशन को जमा करने की उसकी जिम्मेदारी है, उसकी ड्यूटी है। अगर वो उसको डिपॉजिट नहीं करता है टाइम के अंदर, तो जो कॉन्ट्रीब्यूशन उसने इम्प्लॉय से लिया है इम्प्लॉयर की बन जाएगी वो इनकम, ना जमा करने पर उस पर लग जाएगा टैक्स। दूसरा है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, शॉर्ट में बोलते हैं टीडीएस। अगर कोई इम्प्लॉयर अपने इम्प्लॉयज को सैलरी देता है आउटसाइड इंडिया और उस सैलरी पे अगर टीडीएस नहीं काटा तो वो एक्सपेंस हो जाएगा डिस अलाउड, यानी जो सैलरी पे की है इम्प्लॉय को ये सैलरी की डिडक्शन नहीं मिलेगी इम्प्लॉयर को। यानी इम्प्लॉयर जब पीजीबीपी हेड के अंदर एज पर इनकम टैक्स अपनी इनकम निकालेगा तो वो अपने प्रॉफिट लॉस में इस सैलरी को डेबिट की साइड में नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा डिस अलाउड। क्योंकि सैलरी अगर आउटसाइड इंडिया कोई इम्प्लॉयर अपने इम्प्लॉय को देता है तो उसको टीडीएस काटना पड़ेगा सैलरी से, अदरवाइज ये सैलरी एज ए एक्सपेंस इम्प्लॉयर क्लेम नहीं कर पाएगा, ये हो जाएगा डिस अलाउड। इससे इसकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर बात करें रेजिडेंट की, अगर इंडिया के अंदर अगर कोई इम्प्लॉयर रेजिडेंट को पेमेंट करता है सैलरी की, यानी रेजिडेंट यानी इंडिया की बात हो रही है, तो उस केस में अगर टीडीएस डिपॉजिट नहीं करता है या नहीं काटता है तो 30% हो जाएगा डिसअलाउड। यानी मान लो 100 रुपये का अमाउंट है तो 30% क्या हो जाएगा डिसअलाउड। इसके साथ साथ टीडीएस ना काटने ना जमा करने के ऊपर पेनल्टी भी लगती है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से। तो इम्प्लॉयर को ये एक्सपेंस तो डिसअलाउड होगा ही, इसके साथ उसको पेनल्टी भी पे करनी पड़ जाएगी। उसके बाद है एक्सेसिव पेमेंट, यानी ज्यादा पेमेंट कर देना। अगर इम्प्लॉयर अपने किसी इम्प्लॉय को रेमुनरेशन पे कर देता है और ये इम्प्लॉय इसका रिलेटिव है, तो अगर एक्सेस पेमेंट कर दी यानी ज्यादा पेमेंट कर दी या कोई अनरीजनेबल अमाउंट लगती है वो, तो वो हो जाएगा डिस अलाउड, यानी वो एज ए एक्सपेंस क्लेम नहीं कर पाएगा इम्प्लॉयर, उससे उसकी टैक्स लायबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। उसके बाद है पेमेंट एक्सेडिंग ₹10,000, इस अंडर सेक्शन 41 के तहत आता है, सेक्शन 40 की बातें हैं ये।
तो पेमेंट अगर 10,000 रुपये से ज़्यादा कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कर देता है एज ए रेमुनरेशन के रूप में, और वो भी कैश के अंदर एक दिन में, अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कैश के अंदर एक दिन में 10,000 से अधिक की पेमेंट कर देता है, तो वो हो जाएगा डिसअलाउड, यानी एम्प्लॉयर इस पेमेंट को एज एक्सपेंस अपने प्रॉफिट लॉस में नहीं दिखा पाएगा एज पर इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से, इससे इसकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पेमेंट करता है ईसीएस बैंक के थ्रू, या अकाउंट पे चेक के थ्रू, या बैंक ड्राफ्ट के थ्रू, तो वो अलाउड हो जाएगा। बस कहने का मतलब ये, कैश में पेमेंट पेमेंट नहीं होनी चाहिए 10,000 से अधिक की एक दिन के अंदर, अदरवाइज वो हो जाएगा डिसअलाउड। 10,000 से कम है तो अलाउ है, कैश में कर सकते हैं। उसके बाद कॉन्ट्रीब्यूशन टू फंड्स, अगर कोई एम्प्लॉयर कोई फंड सेटअप करने के लिए कोई पेमेंट करता है, कोई ट्रस्ट, कहने का मतलब कोई नॉन स्टैच्यू फंड है यानी जो अप्रूव्ड नहीं है, ऐसे फंड के लिए अगर वो पेमेंट करता है तो वो हो जाएगा डिसअलाउड, यानी वो एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा एम्प्लॉयर के हाथ में। उसके बाद है कॉन्ट्रीब्यूशन टुवार्ड्स अप्रूव्ड फंड्स, पेमेंट ऑफ बोनस एंड कमीशन एटसेट्रा। अगर कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बोनस, कमीशन या लिव इंकेसमेंट, कोई टैक्स ड्यूटी फी या इंटरेस्ट जो बैंक को पे होता है लोन के ऊपर, कोई कॉन्ट्रीब्यूशन है आरपीएफ में, या फिर अप्रूव कोई ग्रेचुअटी फंड है, या कोई सुपरएनुएशन फंड है, तो इनकी मिल जाएगी उसको डिडक्शन। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए बोनस, कमीशन, लिविंग केसमेंट, टैक्स, ड्यूटी फी, इंटरेस्ट, या कोई कॉन्ट्रीब्यूशन करता है पीएफ या अप्रूव ग्रेचुअटी फंड या सुपरएनुएशन फंड में, तो उसको डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन ध्यान यहाँ पे क्या रखना है कि पेमेंट अगर भले ही पेमेंट प्रीवियस ईयर में ना हुई हो, तब भी उसको डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने की ड्यू डेट से पहले इस अमाउंट को पे करना पड़ेगा, ये जो बोनस, कमीशन, लिविंग केसमेंट जो कंट्रीब्यूशन है इसको। उसके बाद अगर कोई बिजनेस लॉस है, तो वो बिजनेस लॉस कैरी फॉरवर्ड होता है 8 सालों तक, ये आपको पता है। बिजनेस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं 8 साल तक। मान लो कोई बिजनेस लॉस है और वो उसका 8वां ईयर है, यानी लास्ट ईयर है सेट ऑफ करने का, लेकिन प्रॉफिट कम पड़ रहा है। अब प्रॉफिट को बढ़ाए कैसे, तो यहां बताया गया कि जो बोनस और कमीशन होता है एम्प्लॉय को जो पे किया जाएगा, उसकी पेमेंट मत करो। एम्प्लॉयर के पॉइंट से बातें हो रही है कि बोनस कमीशन की पेमेंट ना करते हुए, बोनस पेमेंट अगर बोनस कमीशन की एम्प्लॉयर पेमेंट नहीं करेगा, तो प्रॉफिट उससे बड़ा रहेगा, इससे आप अपने लॉस को सेट ऑफ कर लो, और डिडक्शन जो बोनस कमीशन की है वो अगली प्रीवियस ईयर में मिल जाएगी। ध्यान ये रखना है कि अगर कोई लॉस है उसको कैरी फॉरवर्ड करना है, तो रिटर्न ऑफ इनकम जो है वो ड्यू डेट के अंदर ही फाइल करनी पड़ती है। अगर एम्प्लॉयर ने लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है और रिटर्न ऑफ इनकम जो है वो ड्यू डेट के अंदर फाइल नहीं करी, तो वो अपने राइट को, यानी जो कैरी फॉरवर्ड का राइट होता है, उसको लूज कर देगा। उसके बाद अगर कोई पार्ट ऑफ सैलरी है, इसमें बताया गया एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो सैलरी जो है, यानी जो पार्ट ऑफ सैलरी है, वो अलाउंस और परकेजिट्स के रूप में अगर पे करी जाए, तो एम्प्लॉयर को फायदा है उसमें। अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जो सैलरी पे करता है, वो पार्ट में देता है अलाउंस एंड परकेजिट्स के रूप में, कहने का मतलब ये है कंसोलिडेटेड ना देते हुए पार्ट में दे देता है अलाउंस एंड परकेजिट्स के रूप में। तो जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं, यानी जो पीएफ में कंट्रीब्यूशन जाता है, ग्रेचुअटी में, पेंशन में, वो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये जो कंट्रीब्यूशन होते हैं ये बेसिक सैलरी के बेस पे जाते हैं।
तो अगर सैलरी जो है वो कंसोलिडेट होगी तो बेसिक ज़्यादा रहेगी, बेसिक ज़्यादा रहने की वजह से कंट्रीब्यूशन ज़्यादा जाएगा इसमें। तो बोला गया है कि सैलरी को पार्ट में दे दो आप, अलाउंस पर क्रेडिट्स, बेसिक कम रखो, बेसिक कम रहेगा तो ये जो कंट्रीब्यूशन है ये कम हो जाएगा। अगर बेसिक पे ज़्यादा हो गया तो जो रिटायरमेंट बेनिफिट की जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाएगी, और जो फ्यूचर में टैक्स लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। उसके बाद अगर कोई टैक्स की पेमेंट की जाती है इम्प्लॉयर द्वारा, जो इम्प्लॉयर अपने इम्प्लॉय को देता है परकेजिट्स, उन परकेजिट्स पे टैक्स की पेमेंट इम्प्लॉय के बिहाफ पे इम्प्लॉयर कर देता है तो वो अलाउ नहीं होता। लेकिन बताया गया कि अगर इम्प्लॉयर इनकम टैक्स अलाउंस अगर इम्प्लॉय को दे दे तो फिर उसकी उसको डिडक्शन मिल जाएगी, उससे उसकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये था इम्प्लोर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इम्प्लोर जो है वो अपना टैक्स कैसे कम कर सकता है, किन किन बातों को ध्यान में रखना पड़ता है इम्प्लोर को। नेक्स्ट जो वीडियो होगा इसका पार्ट 3, उसमें हम बात करेंगे इम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू यानी इम्प्लॉय का सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। ओके, थैंक यू।